The function fx equals 4x squared minus 3x squared divided by 6 minus 2 sin x plus 2x minus 1 into cos x. इस फंक्शन के बारे में पूछ रखा है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो मैंने क्या किया पहले जो दे रखा है दैट इज एफ एक्स इक्वल्स ऐसा कुछ 4x के माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2x माइनस 1 इंटू कॉस एक्स ऐसा कुछ दे रखा अपने को। अभी क्या कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए मैंने एफ डैश निकाला, सो एफ डैश दैट विल बी, इसको अगर देखें तो क्या 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक्स अपॉन 6 ऐसा माइनस 2 कॉस एक्स, और इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास आएगा 2x माइनस 1 को क्या तो सिर्फ 2 आएगा 2 कॉस एक्स, और जब 2x माइनस 1 का कॉन्स्टेंट रखा मैंने तो 2x माइनस 1 इंटू माइनस साइन एक्स ऐसा बनेगा अपने पास। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ऐसा कुछ बनेगा एफ डैश दैट इज 2x पर माइनस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, ये माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा अपने पास माइनस 2x साइन एक्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा एफ डैश, अगर मैं देखो ध्यान से तो ये कुछ ऐसा, इसको सिंप्लीफाई किया जैसे ही 2x मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बनेगा 2x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, सो माइनस 1 कॉमन लिया तो मेरे पास आएगा x माइनस साइन एक्स। अभी क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा x माइनस साइन एक्स इंटू, अभी क्या किया मैंने जो x माइनस साइन एक्स है x माइनस साइन एक्स इसको अगर मैं देखूँ तो जो अगर x ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो तो ये बेसिकली क्वांटिटी होता है x माइनस साइन एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल जीरो होता है, बट अगर x लेस देन इक्वल जीरो हो तो उस केस में क्या होता है x माइनस साइन एक्स दैट इज लेस देन इक्वल जीरो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो मैं अगर देखूँ तो एफ डैश सिर्फ x पॉजिटिव के लिए अगर मैं देखूँ तो एफ डैश फॉर ऑल x जीरो से इन्फिनिटी उसके लिए अगर मैं देखूँ तो उसमें क्या रहा है, ये तो बेसिकली क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है लेकिन ये क्वांटिटी जो पॉजिटिव हो रहा है दैट इज वो एक्स जब 1/2 से ग्रेटर होगा फिर उसके इक्वल होगा उस केस में क्या हुआ ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एफ डैश एक्स जो अपना होगा दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1/2 टू इन्फिनिटी। सो इसका मतलब क्या है कि जो अपना फंक्शन होगा वो इंक्रीज कब करेगा 1/2 से इन्फिनिटी के बीच में जब एक्स रहे तब इन, बिकॉज उस केस में क्या होगा ये क्वांटिटी जो है दैट इज पॉजिटिव और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, कोई और केस अगर देखिए जैसे मान लो अगर मैं देखो ऐसा कुछ एफ डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1/2, सो 0 से 1/2 के बीच में अगर देखो तो जो एक्स माइनस साइन एक्स है और ये 2x माइनस 1 ये क्वांटिटी क्या होगा एक्स माइनस साइन एक्स दैट विल बी पॉजिटिव, बट ये क्वांटिटी क्या होगा दैट विल बी नेगेटिव नेगेटिव ऑफ जीरो। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं देखूँ ध्यान से तो क्या है अपने पास जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल जीरो, इसका मतलब क्या होगा फंक्शन जो है वो एफ एक्स जो है वो डिक्रीज कर, अगर बाकी मैं एक्स नेगेटिव के लिए देखूँ जैसे फॉर ऑल एक्स लेस देन इक्वल जीरो तो उस केस में क्या होगा जो एफ डैश आएगा दैट इज एफ डैश इज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 2x माइनस 1, सो 2x माइनस 1 ये क्वांटिटी क्या होगा नेगेटिव, या फिर क्या आएगा अगर मैं देखूँ तो ये सिर्फ नेगेटिव ही आएगा और ये जो क्वांटिटी है एक्स माइनस साइन एक्स दैट इज नेगेटिव और जीरो, सो ये क्वांटिटी क्या होगा नेगेटिव या फिर जीरो। सो इस केस में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स जीरो, सो इसका मतलब क्या होगा फंक्शन जो इस केस में है दैट इज एक्स लेस देन इक्वल जीरो इसके लिए भी क्या होगा फंक्शन जो होगा इंक्रीज कर रहा होगा, सो मैं क्या बोल सकता हूँ एफ एक्स इंक्रीजिंग ओवर हियर टू। सो ये चारों कंडीशंस को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा जो आंसर आएगा दैट इज फंक्शन इंक्रीजेज इन 1/2 टू इन्फिनिटी अपना फर्स्ट ऑप्शन आएगा,